ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मुझे लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं? मैं मौका पे जॉब करता हूँ। ओके, नोट पे लिखा होता है रिस्क हिलाल एनी इबादत। हलाल एनी इबादत। नोट के ऊपर लिखा होता है रिस्क हिलाल एनी इबादत, वो किस सन में लिखा गया था? किस सन में नहीं पता। क्या सुनाएंगे आप? सॉन्ग सुना। सामने देखे यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कैसा ऐसा याराना। ओ मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। थैंक यू। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। कौन है बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड सैरिश। सैरिश, वेरी नाइस। सैरिश के लिए गाया? जी सर। जी बहुत अच्छा गाना था, दोस्ती के नाम था ये गाना, कि यारा तेरी यारी ने। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेहताब। आपका नाम? मोहम्मद। नाम आपका आदमी वाला है? जी नहीं, मेहताब नाम है मेरा। किसे रखा? मेहताब आपका टोटल मुझे सब लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादातर मेहताब ही मुझे कहते हैं। मैं मेहताब का आ जाता है। अच्छा, आई एम ए ब्यूटिशियन ना। अरे वाह, चले जी सवाल करते हैं। रेडी है? हाँ जी। मुझे बताएं वो कौन सा कीड़ा जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है? उसे वैसे टीटरी कहते हैं, उसको कीड़ा होता है वो घास का कीड़ा होता है। हाँ घास का है, लेकिन उसका नाम टिटरी नहीं है, कोई और कीड़ा। बस मुझे तो यही पता है। क्या सुनाएंगे? मैं आपको ब्यूटी टिप्स। और आप? हाँ जी फार्म पॉइंट सुनाएंगे। दो तीन दे दें आप ब्यूटी टिप्स, क्योंकि आप ब्यूटिशियन। जी ओके जी। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी जो आइस बैग के लिए होता है ना, जो हल्के आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा 75% लेडीज़ को प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है ना सबसे बेहतरीन ये हल है कि आप एलोवेरा का जेल लें और उसका सिर्फ एक स्पून आपने लेना है, और उसके अंदर आपने ईवियन का कैप्सूल जो है ना वो अप्लाई करना है, ईवियन 40 mg का वो आपने लेना है, और उन दोनों का आपने मिक्स कर लेना है, और वो आपने क्रीम बना लेनी है, और वो आपने फ्रिज में रख लेनी है। एक एलोवेरा होता है जो आप घर से ले सकते हैं, एक एलोवेरा जो बाज़ार से ट्यूब में मिलता है। जो ट्यूब से मिलता है उसका ये फ़ायदा होगा कि आप लोग उसको ना ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, और वो आइस बैग पे आप डेली अप्लाई करें, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो आपके आइस बैग्स हैं ना उसका मसला जो है ना आपका हल हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फार्म आप पॉइंट सुना। ट्विंगल ट्विंगल लिटिल स्टार हावा वंडर वंडर। हाँ जी सुना दो। ट्विंगल ट्विंगल लिटिल स्टार हावा वंडर वंडर हावा वंडर वंडर स्काईलाइट डायमंड थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों का बताया। उम्मीद है कि लोगों को समझ आ जाए। लाहौर न्यूज की तरफ से आप बहुत शुक्रिया। वेलकम। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। एलोवेरा जेल के लिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करें। एलोवेरा जेल हर दफ़ा निकालना बहुत एक मुश्किल काम है। आप एलोवेरा जेल लें, उसको निकालें, उसको ब्लेंड करें, दैट्स इट। रोज़ वाटर ऐड करें और उसको क्यूब्स में डाल, जो क्यूब वाली ट्रे होती है उसमें डाल के फ्रीज़र में रख दें, वो जम जाएगा। उसको फ्रिज में रहने दें, जब आपको यूज़ करना है आप एक्सप्रेस एक क्यूब निकालें, उसको फेस पे रब करें और यूज़ करें। एज के आप हर दफ़ा निकालें और ये अमल करें तो ये एक बहुत अच्छा है। मैंने आपको टिप दी, ज़रूर ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मिसेस सलमान। कितने टाइम हुआ शादी? रिसेंटली मेरी शादी हुई है नवंबर में। कितनी देर होगी? 1 month। ओके चलो सामने देखो, ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे खड़े हो। हाँ मुझे बताओ, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया टींडा खाया? जी। पसंद है या नहीं? खा लेती हूँ। पसंद नहीं है? नॉर्मल।
क्यों नहीं पसंद होता लोगों को टींडे? आई लव टींडे, शौक से खाती हूँ। अच्छा ओके, किसके साथ? शोरबे में क्या और हो साथ? रोटी के साथ या चावलों के साथ भी? नहीं नहीं, शोरबे में खाली टींडा या कोई चिकन या मटन अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग शोरबे में टींडे नहीं पकाते, सिंपल टूटे टूटे। हाँ जी। नहीं वो नहीं मुझे अच्छा लगता है, वो तो मुझे लगता है इलीगल होने चाहिए। बेचारे टींडे को पहले वो नरम होता है फिर तोड़ देते हैं। वो नहीं खाया जो सही सही होता है शोरबे के साथ? नहीं नहीं, हम उस तरह नहीं। चलो ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। चलो मैं सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे डेड बॉडी के साथ भी शादी की जा सकती है? पता नहीं, कोशिश करो। डेड बॉडी के साथ? डोंट नो। क्या सुनाओ? सॉन्ग हस्बैंड को डैडी के। अच्छा सा सुनाना। जी जी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझे से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की, अब तुम ही हो। वेरी नाइस जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अपने हस्बैंड की एक सबसे अच्छी आदत बताओ। केयरिंग है। बुरी आदत? गुस्सा करते हैं थोड़ा जना। चले जी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात की, गुस्सा ना करिया करो। अच्छा औरतें सिर्फ एक आदत बताती हैं कि हस्बैंड गुस्सा करते हैं और वो ना कभी कभी पान खाते हैं। मैं चाहूँगी कि वो अपनी आदत छोड़ दे जल्दी। कौन सा वाला? पान खाने की आदत। कौन सा वाला पान खाते? वो नहीं मुझे पता, बस खाते हैं वो पान। नहीं अगर तो वो नॉर्मल खाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन रूटीन में नहीं ना खाना चाहिए। आजकल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कफीला। कफीला। और हस्बैंड का नाम? सलमान। सलमान, चले जी सलमान आपके लिए एक रिक्वेस्ट आई है, कफीला जो कि आपकी वाइफ आपकी पीवी आपकी पत्नी हैं, उन्होंने कहा है कि पान खाना छोड़ दें, डेली पान मत खाया करें, तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है मान लें। किसी और से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? हमजा। हमजा क्या कर? स्टडी करता हूँ। क्या? प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक आदमी ने ना आपने सर पे गोली मारी, गोली भी रियल थी, पिस्टल भी रियल थी, सर भी रियल था, मगर वो मरा नहीं, क्यों? उसने मिरर में मारी थी। अरे तालियां बजाओ अपने लिए। क्या सुनाओगे? सॉन्ग यू गॉट टू गो एंड गेट एंग्री एट ऑल ऑफ माय ऑनेस्टी, यू नो आई ट्राई बट आई डोंट डू टू वेल विद अपोलॉजीज, आई होप आई डोंट रन आउट ऑफ टाइम बिकॉज़ समवन कॉल्ड अ रेफरी, cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice, and by once or twice I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem or myself tonight, cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now? Say sorry. Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm sorry, yeah. So sorry. Very, very nice. Lahore News ki taraf se aapke liye gift. Thank you. जी बच्चे ने सवाल का जवाब भी सही दे दिया और उसके बाद उसे गाना भी बहुत अच्छा सुनाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हिजबुल्ला। आपका नाम? फयाज। अरे छोटा पठान तुम तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या उम्र है इसकी? 6 ईयर की। 6 ईयर, ओके ठीक है। अच्छा चलो सवाल करें। ओके, एक चीज है उसका जो साइज है वो हाथी से भी ज्यादा बड़ा है मगर उसका वेट बिल्कुल जीरो है, वो क्या चीज है? साया। इसका? हर चीज का ह्यूमन साया, मतलब
साया आई। तालियां बजा दो फिर, अब तालियां बजाओ। कहाँ के हो? पेशावर के। पेशावर के पठान हो? मैं भी पठान हूँ। ओके मुझे बताओ पठान में कोचा का क्या मतलब है? क्या कहते? नहीं कोचा, एक कोचा नहीं कहते? कोचा ना एक कौम जैसी है, जैसे कि हर कोई कौम जाए ऐसे बैठ। नहीं वो कहते नहीं कोचा, तुम कहाँ से आए? कोचा कोचा क्यों कहते? कोचा का क्या मतलब है? तुम पठान हो तो बताओ। कोचा तो कोचा का मतलब है स्ट्रेंजर। हाँ हम स्ट्रेंजर कहते हैं ना, जैसे बाहर के मुल्क में जाते हैं तो हम कहते हैं हे स्ट्रेंजर, तो उस वो कहते हैं ओ कोचा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलो क्या सुनाओ? नेशनल एंथम। और आप? ओके अपने बाद माइक को दे देना। पाक सर जमीन शादबाद, कीशरे हसीन शादबाद, दो निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, ओ मल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तिक्बाल, साए खुदाए जुल जलाल। आज मंगल है, चूहे को बुखार है, चूहा आ गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा लो जोर से सांसों लगाए, चुई चुई जो आयो या चुई चुई। वेरी वेरी नाइस। अच्छा आप लोगों के पश्तों में पेशावर पश्तो बोलते हो ना, एक गाना है बड़ा फेमस लोड़ा करके समथिंग, कौन सा दर द्वार बताइएगा? माला रोड़ा समथिंग, माला रोड़ा, माला रोड़ा। इसका मतलब क्या है? माला रोड़ा मेरे लिए, हाँ है वैसे बहुत। क्या मतलब क्या? माला रोड़ा मेरे लिए लेकर, हाँ वो क्या पेशावर से मेरे लिए लेकर। ओके लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सर। वेलकम जी, बहुत प्यारा बच्चा था, पेशावर से आया हुआ था, मेहमान थे हमारे, बहुत इंजॉय किया हमने इनके साथ। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कासिम। कौन सी क्लास? 7। 5। क्या करते हैं आप? जी मैं दुबई में जॉब करता हूँ। मुझे बताएं कि 100 रुपए के नोट पे सिफर कितनी बार लिखा होता है? 8 बार। मोर देन? 4 बार। लिखा मोर देन? 16। वेरी नाइस, क्लैपिंग करें इनके लिए। इस तरह दिमाग यूज करते हैं, कोई भी नहीं करता। क्या सुनाएंगे आप? मैं एक वोट का बताना चाहूँगा। अच्छी इजवाजी ज़िंदगी गुजारने का टोटका, लड़की से ज़्यादा आप लड़की की माँ को डेट पे लेके जाएं और उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएं और उनकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी वैसी गुजरने वाली है। तो ये मेरा टोटका था अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। आपने भी ऐसे किया था? नहीं, मेरा ज़रा अपोजिट एक्सपीरियंस है। अच्छा। लोगों को बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ओके राव। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं। वेरी नाइस सर, आपने बेटा? पाक सर जमीन शादबाद,
کیشور حسین شاد باد تو نشان عزم عالی شان عزم پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام اخوت اخوت عوام کو ملک سلطنت بھائی شاد باد زندہ باد شاد باد منظر مراد ترجمے ستاروں اعلان رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سائر خدا ذل جلال لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ بہت نائس فیملی ہے اور انکل نے جیسے بات کی تو بالکل ایسا ہے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن واقعی میں یہ کاؤنٹ کرتا ہے جیسے انہوں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم آپ کا نام سجل 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 کیا کرتے ہو میں گریجویشن کیا اور آپ مدر کے بعد گھر سے بھاگا ہوں ویری نائس مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ ڈیڈ ہاں سوال تو کریں گے اچھا بھوجو تو جیتو اوکے وہ کون سا ملک ہے جہاں پر آپ ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو اٹس الیگل کو کے نام آتے آبویسلی آتے ہیں مگر کوشش کو تو نہیں ہے ڈیڈ باڈی کے ساتھ سناؤں گی میں ایک بیوٹی ٹپ دینا چاہوں گی بیوٹی ٹپ یہی ہے کہ بالوں کو اور اپنے نیلز کو لمبے کرنے کے لیے ایلو ویرا ضرور یوز کریں اور لہسن کا اور ادرک کا جو پیسٹ ہوتا ہے اس کو یوز کریں اسپیشلی نیلز کے لیے وہ بہت جلدی گروتھ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اچھی بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کی ضرور قدر کریں جو آج کل کے انوائرمنٹ میں لوگ نہیں کرتے کیونکہ ماں باپ کی ریپلیسمنٹ کبھی بھی نہیں ملتی آپ کو اسپیشلی مدرس کی تو اس کی ریپلیسمنٹ وہی آپ کے ساتھی ہوتی ہیں وہی ہر ساتھ غم میں ہر خوشی میں آپ کا ساتھ دیں گی تھینک یو ویری نائس بالکل صحیح کہا آپ نے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے تھینک یو ویلکم جی بہت اچھا میسج دیا انہوں نے اپنے پیرنٹس کی قدر کریں ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا یہ بات تو واقعی میں بالکل صحیح کہی انہوں نے ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سیلا بریک